नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। उपजिलाधिकारी सगड़ी डॉक्टर अतुल गुप्ता का स्थानांतरण कर दिया गया है। उन्हें सदर तहसील में एसटीएम न्यायिक बनाया गया है। वही न्यायिक उपजिलाधिकारी सदर आजमगढ़ नरेंद्र कुमार कंगवार को उपजिलाधिकारी सगड़ी का पदभार सौंपा गया है। यह 2020 बैच के पीपीएस अधिकारी है। पदभार ग्रहण करने के बाद एसडीएम सगड़ी नरेंद्र कुमार गंगवार ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जो भी आदेश होगा उसे क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही सीमांकन बंटवारे संबंधित वाद, धारा 34, धारा 67 नामांतरण संबंधित वाद है उसके निस्तारण का प्रयास कोर्ट की प्राथमिकता। इसके अलावा जनसुनवाई के माध्यम से लोगों की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। आगे उन्होंने बताया कि कुछ जनता की समस्याओं का निस्तारण जो अभी तक नहीं हो पाया है उसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। सर, आज आपने सगड़ी का पदभार ग्रहण किया है, सर क्या कहना चाहिए, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सर आपकी? जिला अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज मैंने जिलाधिकारी सगड़ी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। मेरी प्राथमिकताएं जो भी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे उनको उनका कार्य सुनिश्चित करना कि उनका कार्यान्वयन सही रूप से हो, जो भी निर्देश है और जो भी शासन की प्राथमिकताएं हैं, जैसे इस समय जो सीमांकन संबंधी और बंटवारे संबंधी वाद हैं और धारा 34 के बाद हैं जो नामांतरण संबंधी वाद हैं और धारा 67 के जो वाद हैं उनके निस्तारण संबंधी कोर्ट की जो प्राथमिकताएं हैं और उसके अलावा जो भी जनसुनवाई से संबंधित जो भी विभिन्न स्तरों पे जो भी संदर्भ आते हैं उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो, यही मेरी प्राथमिकता है। ठीक है। तहसील दिवसों पर तमाम वादे, तमाम शिकायतें लंबित हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैं आज पहला दिन है तो देखूंगा इस तरह की जो भी अगर कोई ऐसे है जहाँ पे लोग संतुष्ट नहीं है और कार्रवाई अगर सही से नहीं की गई तो उन प्रकरणों को मैं देखूंगा कि उनमें सही से कार्रवाई जो भी हमसे अपेक्षित है नियम के हिसाब से जो भी किया जा सकता है नियमानुसार वो कार्रवाई उसमें की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।